Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to learn how we can make a website. To design a website, to publish a website have main two parts. There is main two steps to publish a website. First, we must have design a website. We can design it on different softwares, on HTML editors. We can also design it on Microsoft Word, and there are different softwares through which we can make it, and the language which we use to make is known as HTML. We have number of choices to make a website. There are number of softwares and number of things. Okay, the second step is to publish the website to an international server. But we are not going to make a big website. Here we are going to learn a simple way to publish a website, and in this lecture, in this movie, we are going to learn how can we make a movie through Google Sites. Google made a tool to make website, and so through which there's no need to learn too much things. It's very easy. Click and go, and click just like that. So we are going to start. We are opening Google Chrome, and the site name is sites.google.com. This is the site. You should have a Google account. If you don't have a Google account, you should sign up. You must sign up for that. After making account, sign in. And click create new site. It's like a wizard. Google make a wizard through which we can easily make our site. So the wizard is being started, and he is giving us some templates. We can select a template. Here's just name of your site. I am placing a name, test. The actual name of your site is here, https sites.google.com/site/test. It is the actual URL through which you can get your site. Okay, here are the some templates you can choose from here, and there are some themes available here you can choose. I'm choosing this one theme and this template. Okay, niche kya hai, more options. What is written here, yaar? या मैं इसका नाम चेंज कर दिया, टेस्ट के बजाय इसका नाम कर देता हूँ मैं फैजान. ठीक है, देन इस पर क्लिक करेंगे, या जो भी वर्ड लिखा होगा. वर्ड लिखने के बाद TEDU, उसके बाद क्रिएट साइट के बटन पे क्लिक कर देंगे. देन वी विल क्लिक ऑन द बटन क्रिएट साइट. वो कह रहा है कि ये जो आपने साइट का नाम रखा है अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट अवेलेबल. सो उसको चेंज करना पड़ेगा. फैजान रोफ कर देते हैं. ये भी अवेलेबल नहीं है. देन इसको क्या कर दें,
वन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन आपकी जब आप उसका नाम रख देंगे अपनी साइट का तो आपकी साइट बन जाएगी। ठीक है, एक मैंने साइट का नाम रखा था और एक यूआरएल था, तो यूआरएल तो चेंज हो गया है, जो मैंने आखिर में रखा था फैजान रोफ वन हो गया है, और साइट का नाम टेस्ट रखा था टेस्ट, और जो टेम्पलेट मैंने चूज़ किया था वो टेम्पलेट हमें नज़र आ रहा है, द टेम्पलेट विच आई हैव चूज्ड वी कैन से इट हेयर। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी चेंज दिस दिस पेज ऑन योर राइट, यू कैन सी दिस बटन्स एडिट क्रिएट क्रिएट पेज एडिट पेज। इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस पेज यू कैन क्लिक हेयर एडिट पेज, यू विल सी द एडिटर, सेलेक्ट एनी थिंग एंड चेंज इट्स नेम, यू कैन टीम नेम हेयर जैसे, तो यू कैन प्लेस एनी थिंग। इसी तरह आप यहाँ जो कुछ लिखा है सब चेंज कर सकते हैं अपने हाथों से। ठीक है, और चेंज करने के बाद यहाँ आपको सिंपल फॉर्मेट बार दी हुई है, चंद ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सही है, ये सब हरकतें आप कर सकते हैं यहाँ पर। जब आप ये सब चेंजेस कर लें, अगर आपको HTML आता है तो आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करके उसके HTML कोड देख के उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको HTML कोडिंग आती है। जब आप चेंजेस कर लेंगे तो आप सेव करने पे क्लिक कर दें, तो ये पेज फिर पब्लिश हो जाएगा और जो लोग देख रहे हैं आपकी वेबसाइट वो फिर उनको जो चेंजेस आपने की होंगी वो नज़र आ रही होंगी। इसी तरह अगर अभी आप जाकर अपनी यूआरएल बार पे ये वाला टाइप करें तो आपको ये पेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ इसके चंद बटन्स बने हुए हैं, मैं चाहूँ तो इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये पेजेस हैं, इन पेजेस को चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी का, कोई और पेज बना सकता हूँ, चेंज करना तो आप समझ गए। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको इन पेजेस को आप जो है नया कोई नया पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट पेज करेंगे, क्रिएट पेज के बटन पर क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पेज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको चंद ऑप्शंस दे रहा है, अगर आपको कोई लिस्ट उस पेज पे सिर्फ लिस्ट दिखानी है तो आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लें। फाइल कैबिनेट होता है, अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी है कुछ लोगों को दिखाने के लिए, कुछ ताकि लोगों को डाउनलोड कर सकें, तो आप फाइल कैबिनेट चूज़ करते हैं। मगर अनाउंसमेंट, सिंपल अनाउंसमेंट्स के लिए हम वेब पेज यूज़ करते हैं, इसमें आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर उस पेज का नाम पूछ रहा है कि आप जो पेज रखना चाह रहे हैं उस पेज का क्या नाम है, तो मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ टेस्ट है, तो टेस्ट वन मिसाल तौर पर हम नाम दे रहे हैं, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी साइट बना रहे हैं। पुट इन द टॉप लेवल, देखें एक तो ये है कि जो साइट है वो साइट में डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे एक हेडिंग्स होती है ना, सब हेडिंग्स और हेडिंग्स, उसी तरह ये दोनों ऑप्शन है, पुट पेज एट द टॉप लेवल, पुट पेज अंडर होम। अंडर होम से मुराद ये है कि जो पेज बना हुआ है होम, आप जो है उसके अंदर, जैसे मिसाल तौर पर होम की हेडिंग की सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, जैसे हम अगर कोई लेटर लिख रहा होते हैं उसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, तो इसी तरह ये ऑप्शन है दोनों। तो अगर आप चाहते हैं एक जनरल नॉर्मल पेज हो, जैसे और पेज बने हुए आपको नज़र आ रहे थे वहाँ अनाउंसमेंट के दूसरे पेजेस, तो आप टॉप लेवल कर देंगे। मगर आप चाहते हैं कि ये पेज जो है होम के अंदर का हिस्सा हो, होम का एक पार्ट हो जाए, होम का एक हिस्सा बन जाए, होम जो पेज है मेन पेज उसका हिस्सा बन जाए, तो आप इसको ये वाला सेलेक्ट करेंगे। आप देख लें दोनों के चेंज करने से यहाँ इनकी लोकेशन जो है, जो आपकी यूआरएल है वो भी चेंज हो रहा है। दोनों बना के देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, सबसे पहले टॉप लेवल वाला बना के देख लेते हैं। जब हम टॉप लेवल करेंगे तो टॉप लेवल पे एक पेज बनकर आ गया हमारे पास, ठीक है, टेस्ट वन के नाम से। इसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तमाम पेजेस के लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, और हमारा जो मेन पेज है वो यहाँ चल रहा है, ये ब्लैंक पेज है। देखिए इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ हम अटैचमेंट लगा सकते हैं, अपने कमेंट्स लोगों के डाल सकते, अपने कमेंट डाल सकते हैं, इस तरह
अगर आप ये जो लेआउट है इसका, इसको चेंज करना चाहें, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेआउट लिखा हुआ है, ये एक सिंगल कॉलम है, इसको डबल कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर कोई और हेडिंग डालना चाहें, हेडिंग डाल दें, यहाँ से उसका साइज चेंज कर दें, उसको बोल्ड कर दें हेडिंग के लिए। यहाँ पर आप दूसरी हेडिंग बना सकते हैं। लेआउट और चेंज करना चाहें इसकी, तो तीन कॉलम वाली लेआउट बन सकती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कॉलम के ऊपर भी एक अलग से कॉलम बन जाए और नीचे भी, तो इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह की सारी लेआउट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप कोई टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टेबल भी बना सकते हैं, जैसे आप एक्सेल वगैरह में टेबल, वर्ड में टेबल बनाते हैं, ये वो टेबल है। ये देखिए मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो चाहूँ लिख सकता हूँ, तो एक टेबल की सूरत में वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल तौर पर अगर आप, हम क्योंकि ये स्पोर्ट के वाले सामने बनाइए, तो हम यहाँ पर अगर चाहें टीम के नाम डाल दें, और इस तरह करके हम इनके साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टीम के नाम डाल दें, स्कोर्स डाल दें, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हम डालना चाहें, तो टेबल्स के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं हमें। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जिस तरह, और हमें उसमें होते हैं इंसर्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप क्या चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। मिसाल तौर पर आप यहाँ पर कोई इमेज डालना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, आपके पास कोई इमेज पड़ा हुआ है आप कंप्यूटर में, आप चाहते हैं यहाँ पर अपलोड हो जाए, तो इस इमेज के थ्रू कर सकते हैं। कोई लिंक बनाना चाहें किसी और पेज के लिए, बटन बनाना चाहें, कोई दूसरी वेबसाइट के लिए लिंक डालना चाहें, यहाँ से डाल सकते हैं। ये गूगल के अपने ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है किसी वजह से, उसकी वजह ये है कि दूसरा आदमी, उसको भी पहले गूगल पे साइन इन होना पड़ेगा कुछ इनमें से कुछ ऑप्शंस को, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए उसको पहले जो है साइन इन होना पड़ेगा, जो आपका वेबसाइट देखने आएगा आदमी। प्रेजेंटेशन में, स्प्रेडशीट में भी यही मसला है, बाकी मैंने ट्राई नहीं किया कभी। वीडियो के अंदर आप एक बहुत अच्छी चीज़ है, मिसाल तौर पर मैं इस कॉलम में एक वीडियो डालना चाह रहा हूँ, इंसर्ट वीडियो। मैंने यूट्यूब की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, तो यूट्यूब की वीडियो का कोई यूआरएल जो आपके पास अगर हो, तो आप वो यूआरएल डाल सकते हैं। मिसाल तौर पर आपके पास एक वीडियो है, तो आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं। इसका यूआरएल आप एक सेकंड खुल जाए यार जल्दी से। आपकी YouTube की वीडियो है, इसका URL कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ लिखा हुआ है पेस्ट द URL ऑफ YouTube वीडियो, यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ इसको जो आप नाम रखना चाहते हैं वो रख दें, ठीक है, और सेव कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब आप, आपकी मूवी यहाँ पे चलेगी, लोग प्ले कर सकते हैं आपकी मूवी यहाँ पर। इसी तरह बाकी ऑप्शन भी इंसर्ट के इसी तरह हैं। अगर आप जो है स्प्रेडशीट डाल देंगे यहाँ पर, तो स्प्रेडशीट लोग जो है इस स्प्रेडशीट को इसी तरह देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह दिख रही है। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, अगर सेव का मतलब है आप इसको पब्लिश कर रहे हैं, अब नेट पर लोग ये मूवी, अब जब आपकी वेबसाइट खुलेगी तो उस पर लोग ये मूवी इस तरह देख रहे होंगे। यहाँ पर यूट्यूब का बाकायदा एक पूरा प्लेयर बनकर आ जाएगा, लोग यहाँ से डायरेक्ट मूवी प्ले कर सकते हैं, उन्हें यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको दोबारा इसको चेंज करना है, दोबारा आप एडिट पेज में जाएंगे ताकि एडिटर लोड हो जाए, या एडिटर लोड हो जाएगा, फिर यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, इस तरह वही लिस्ट आइटम्स, अगर आपको लिस्ट बनानी है लिस्ट के आइटम डाल सकते हैं, फाइल कैबिनेट वगैरह सब चीज़ें डाल सकते हैं। मोर एडिट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, और चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह जो मैंने आपको बताए थे कि ये पेजेस बने हुए, इन पेजेस को भी हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं एडिट में जाके, और यहाँ पर डिलीट पेज का ऑप्शन भी है। तो अगर जो एक्स्ट्रा पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पेजेस यहाँ पर नहीं नज़र आए, तो हम इसे डिलीट पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है वेबसाइट बनाने का। फिर आपके जो वेबसाइट का URL है वो ये है, आप sites.google.com/site/fazanrauf1/home, ये आपका अब URL है। अगर आपको किसी को बताना होगा मैंने वेबसाइट बनाई है, तो आपको ये URL उसे देना पड़ेगा ताकि वो आपकी वेबसाइट तक रीच कर सके।
तो गूगल के इस टूल के जरिए हमें आसानी है कि हमें अलग अलग काम नहीं करने पड़ते। हमने शुरू में कहा था ना कि हमें पब्लिश भी करनी पड़ती है और पब्लिश करने के बाद जो है सॉरी बनानी भी पड़ती है, देन हम पब्लिश करते हैं। तो हमें ये सब दोनों काम करने की जरूरत नहीं, हम वेबसाइट पे इंटरनेट पे रहते हुए उसको हम पब्लिश भी करा देते हैं और बना भी लेते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मेन, पब्लिश करने का और बनाने का, समझने की जरूरत नहीं है, ना कोई टूल समझने की जरूरत है, ना कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, ना HTML सीखने की जरूरत है। हम गूगल के इस टूल के जरिए ऑटोमेटिकली अपनी साइट बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से बना सकते हैं। शुक्रिया।